इलाज शुरू करने के लिए। वो कहते हैं कि बस 3 बजे से 3 बजे के अंदर सारी जांच कर ली गई, वो ठीक है और फिर से इनको जेल में डाला जा रहा। वजह यह है कि मीडिया ने इस खबर को कल इतनी प्रमुखता से दिखाया कि पूरे देश में ये एक मेन न्यूज हो गई। सरकार के कानून व्यवस्था की जो धज्जी उड़ रही थी उसकी वजह से ये लोग घबराए और कहे कि इनका इलाज जेल में ही कराया जाएगा। इनको लाया गया था सिर्फ इसलिए कि इनका चेकअप हो जाए। आप पूछ सकते हैं, कभी पलट के पूछने की तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन कभी हम पूछते हैं, जनता पूछ रही है, क्या लीवर का टेस्ट हुआ? तो जवाब ही नहीं आएगा। अगर पॉइजन की बात है तो सबसे पहले लीवर टेस्ट होना चाहिए। क्या किया? अल्ट्रासाउंड कर लिया। क्या किया? एक्सरे करा लिया। आप एक्सरे करा लियो, हड्डी तो टूटी नहीं है। ये और बात है कि वो गिर गए थे बाथरूम में और उस समय मूर्छित हो गए थे। तो कई दिन से ये चल रहा था, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया था, उनके वकील ने कोर्ट में पहले ही लिख के दे दिया था कि उनको पॉइजन दिया गया है। और ऐसी स्थिति में उनका रात में गिर जाना, बेहोश हो जाना और उनका बीपी वगैरह काफी डाउन हो जाना, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम पैदा हो गया, तब उनको उस हालत में भेजा तो गया। कम से कम इतना है कि मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब हो सकता है उन लोगों ने आकलन करने में वो समझ रहे हैं कि अब ये अपने बिल्कुल खराब पोजीशन में पहुंच गए। बांदा पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट प्रशासनिक मशीनरी के कब्जे में है। एक सेकंड डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे बात कर ले। न हम कस्टडी में थे, न डॉक्टर कस्टडी में था, लेकिन हम दोनों के बीच की बात हो रही तो वहीं पे शादी वर्दी वाला खड़ा है। आप क्या, तो हम क्या बात हो रही वो सुनेंगे? ये कोई नियम ही नहीं है। डॉक्टर ने 2 शब्द में सब कह दिया। उसने कहा मैं सर्जन हूं और इनके मामले में सर्जरी का कोई केस नहीं है। अब और क्या कहेगा? और डॉक्टर कह दिया, डॉक्टर ने उनको पूरी तरह अनफिट माना होगा तब एडमिट किया होगा। एडमिट करने के बाद भी कोई साधारण वार्ड में नहीं, आईसीयू वार्ड में ले जाया गया होगा जब बहुत ही त्वरित इलाज की जरूरत महसूस की गई होगी। मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना चाहा, बात करना चाहा, मिले भी नहीं, फोन पे भी बात करने से डर रहे। जहां पूरा एक आतंक मचा रखा है वहां के जो सादी वर्दी और वर्दी वाले लोगों ने, अब इसको आप समझ सकते हैं। ही तो चाक चौबंद व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसकी जयकार हो रही है। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कि बाप आईसीयू में भर्ती है और बेटा मिलेगा नहीं, ये बड़ी चाक। इस पे भी शबाशी देने वाले भी हैं। मानवता है ही नहीं, क्रूरता, इसको ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया। कितने क्रूर हैं हम। हम उसी दिन 12 घंटा बीतते बीतते फिर जेल में, और सुनिए उसकी साफ फोटो तक खींचने नहीं दे रहे हैं किसी को। मले प्राइवेट आदमी ना खींच सके कैमरा, आप जाइए, पत्रकार, कोई भी पत्रकार जाए, क्योंकि उसकी अगर साफ फोटो खींच के दिखा दी जाएगी तो देश में करोड़ों लोग उसको चाहने जानने और उसके लिए दुआ करने वाले हैं। और जो कुछ भी हुआ उनके बचने का इस बार वजह वो लोगों की दुआ है, प्रभु ने उस पर उसके साथ कल्याण किया उसका। अन्यथा साजिश ये थी कि उन्हें समाप्त किया जाए। बृजेश सिंह को बचाना है तो मुख्तार को मरवाना पड़ेगा गवाही से पहले। पक्ष लड़ कहां रहा चुनाव? किसको आप कहिएगा विपक्ष? कोई है हमारे गाजीपुर में लड़ने वाला? पहले वो अपने घर में जो उथल पुथल मची हुई है और किसके ऊपर दाव लगाया जाए, अभी कंफ्यूजन है। तो ये कहना कि नहीं चुनावी का लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ आप लीजिए, चाक चौबंद व्यवस्था उसी दिन वापस जेल में डाल दिया, एकदम जोगी जी का प्रशासन एकदम रगड़ दिया, आपको वोट मिलेगा। हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, ये बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि देश की जनता अभी गुलाम नहीं हो पाई है। प्रयास इनका हुआ है इनको डरा दें, आगे मौका मिले तो इनको भी ऐसी मानसिकता बना दे
कि हम हुकूमत के इशारे पर नाचें और उसके गुलाम हो जाएं। जनता नहीं गुलाम हुई है, गुलाम बना चुके हैं जितनी भी मशीनरी है प्रशासनिक, वो आंख के इशारे के ऊपर हर तरह का कुछ भी जायज नाजायज है ही नहीं, जो चाह दिया जाए वो कर दिया जाए। और कहीं से उसमें अगर कोई मुठभेड़ ले रहा है तो जो गोदी मीडिया कही जाने वाले लोग हैं अगर उनको अलग कर दीजिए तो ये सोशल मीडिया और कुछ मीडिया के लोग भी अभी मुठभेड़ ले रहे हैं, क्योंकि इनकी भी कॉलर में हाथ लगाया जाता है। कल बड़ा प्रबंध किया गया था कि मीडिया से मेरी मुलाकात ना हो, ले जाया गया दूसरे गेट से, निकाला गया दूसरे गेट से। लेकिन ये भी मीडिया वाले पता नहीं इनको कमांडो की ट्रेनिंग कहां से है, कूदते फांदते दौड़ते उलटते गिरते हाय 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 सारी व्यवस्था ध्वस्त करके, और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में देश की कोई मीडिया बची नहीं थी जो वहां न आ गई हो। वो तो सभी लोग देख ही रहे थे, सब समझ रहे थे, लेकिन जिनके आका ऊपर बैठे हैं उनका मर्जी नहीं है तो कैसे खबर चलेगी। यही खबर चले तो कि उनको जल्दी वापस भेज दिया गया और उनको कुछ नहीं हो गया था। कभी कहा जा रहा ज्यादा खाना खा लेने से वो बीमार हुए, और कभी ये कहा जा रहा है कि उनको रोजा रखने की वजह से, रमजान की वजह से वो बीमार हो गए। बहरहाल कम से कम वो बीमार, उस बीमार को आपने बीमार माना और अस्पताल भेजा और फिर उसको स्वस्थ मान लिया और फिर वहां पहुंचा दिया। वो आपकी कस्टडी में है, आपको कानूनी अधिकार है। अब माननीय न्यायालय इसका क्या संज्ञान लेता है ये देखने की बात है। वो उनके जो लीगल सलाहकार हैं या जो वकील हैं वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग क्योंकि मिल लिए, देख लिए कि होश में हैं और समझ उनकी रिटर्न आ गई है, हमसे उन्होंने खुद कहा कि हमको भैया जहर दे दिया गया था लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया, मैं तो मूर्छित हो चुका था, अब मैं होश में हूं।